नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट जो चर्चा है थोड़ी सी एक अलग माहौल की है। माहौल किस लिए? क्योंकि आज हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसका जिम्मेदार समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। रहते समाज में है आरते राक्षस जैसी, अपने आप को बताते मानव हैं पर कर्म मानव जैसे नहीं। मानव धर्म दूसरों की सेवा करना, मानव धर्म दूसरों का इलाज करना, मानव धर्म दूसरों के लिए जीना, पर मानव धर्म में कतई ये नहीं बताया जाता है कि आप दूसरों की जिंदगी छीन लें, और वो भी इस कदर कि देखने वाला, समझने वाला और सुनने वाला भी घबरा जाए। यहाँ हम बात करने वाले हैं, अभी हाल में जिस तरह आपने देखा दिल्ली के महरौली इलाके में एक बड़ी वारदात सामने आई, वहाँ पर एक युवक द्वारा अपनी पत्नी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि शादी हुई नहीं थी, लिविन में रहने वाली फ्रेंड के साथ, महिला मित्र के साथ जिस तरह यहाँ पर बर्बरतापूर्ण हत्या की गई है। हत्या करने के बाद शरीर को 35 से ज़्यादा टुकड़ों में काटा गया, विभक्त किया गया, उसके बाद पॉली बैग में पैक किया गया और ख़राब ना हो इसके लिए फ्रीजर तक लाया गया, फ्रिज लेकर आए गए 300 लीटर तक का, और उसके साथ फिर लगातार महरौली के पास के जंगलों में उन टुकड़ों को फेंकने की कवायद शुरू हुई। कोई निशानदेही ना मिले और बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या कर दी, और कितना साहस और कितनी मानवता को शर्मसार किया होगा जब अपनी उस महिला मित्र जिसके साथ प्यार का वादा किया था, जिसके साथ प्यार की कसमें खाई थी, जो लड़की अपना पूरा परिवार को छोड़कर सारे नाते रिश्तेदारी को धता बताकर अपने माँ बाप को भी छोड़कर आपके साथ चली आई थी, उसके साथ बर्बरता इस हद तक कि मानवता शर्मसार होती जा रही है। प्यार है तो फिर ये बर्बरता क्यों? प्यार है तो धर्मांतरण की जरूरत क्या है, मतांतरण की जरूरत क्या है, धर्म बदलने की आवश्यकता क्या है? प्रेम ना धर्म बदल के किया जाता है और ना धर्म में रहकर, प्रेम तो अपने आप होता है, उसके लिए किसी धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये मामला हुआ उसके बाद अगर हम बात करें, दो ही दिन नहीं बीते थे जब ये खुलासा, हालांकि घटना बहुत पुरानी है और 4 महीने 5 महीने बाद एक खुलासा हुआ है, पर इसके अलावा एक घटना अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, एक घटना देश की राजधानी दिल्ली में और दूसरी घटना राजधानी लखनऊ में, जहां पर एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड परेशान करता था और मतांतरण के लिए मजबूर करता था, और जब वो नहीं मानी, शिकायत हुई, तो उसी मित्र ने उसको 4 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। टुकड़े तो नहीं किए यहां पर मानवता जरूर टुकड़े टुकड़े हो गई है। प्यार में ये कैसा अंधापन, और प्यार में कैसी ये नग्नता, और प्यार में कैसी ये बर्बरता जिसका कोई इलाज ही नहीं है। क्या ये मुहिम है या विचारधारा है या धैर्य टूटने का एक अपनी परंपरा जिसमें केवल और केवल महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है? और ऐसे मामले केवल एक नहीं, कई ऐसे मामले हमारे देश में आए हैं, और जिस तरह से यहाँ पर मतांतरण को लेकर एक लव जिहाद टाइप का माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर कौन क्या कहेगा? प्रेम है तो प्रेम में बर्बरता नहीं, प्रेम है तो वहां मतांतरण की जरूरत नहीं, और प्रेम है तो वहां पर सबसे पहले तो होता है आपसी जुड़ाव, किसी के साथ इतने महीने रहने के साथ, काम करने के साथ उसकी हत्या कर देना, उसको 35 टुकड़ों में काट देना, ये प्रेम नहीं और केवल केवल निर्दयता है, और ऐसी मानसिकता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और शायद ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में कोई जगह ही नहीं है। इस मुद्दे पर बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, ये एक षड्यंत्र है भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना,
चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। ये एक तरह से षड्यंत्र है, जघन्य अपराध है, इसे जो भी संज्ञा दें। ये भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद होगा, न इस पर लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी इस पर बोलेंगे, न राहुल गांधी बोलेंगे, न जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले ओवैसी बोलेंगे। देखा किस तरह से बयानबाजी हुई, पर उन्होंने एक बात तो साफ कही कि बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़े बड़े बयान देने वाले, बेटी बचाओ बेटी बताओ की बात करने वाले के साथ साथ तमाम बड़े मुद्दों पर, जो मुद्दा अपना हो भी ना तब भी बयानबाजी करने वाले ऐसे तमाम हमारे देश के राजनेता हैं, अलग अलग पार्टियों के, जो तमाम बातें करते हैं पर जब महिलाओं की कोई बात आती है तो चुप हो जाते हैं। कारण क्या, एक मुस्लिम हूं और एक हिंदू? कारण क्या, धर्म विशेष? कारण अपनी रोटी न सेक पाना। तमाम बड़े कांड होते, हत्याएं होती है, पर बोलता कोई नहीं। समाज किस तरफ जा रहा है ये देखना है, और चर्चा का विषय बहुत अहम है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से कंचन द्विवेदी अपना पक्ष रखेंगी, प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, आरती मिश्रा समाज सेवी के रूप में अपना पक्ष रखेंगी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पवन श्रीवास्तव भाई अपना पक्ष रखेंगे, इस्लाम स्कॉलर के रूप में आमिर सावरी भाई अपना पक्ष रखेंगे, और आचार्य राजेंद्र उपाध्याय धर्मगुरु के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा कंचन जी से रहेगा। कंचन जी, जिस तरह ये विचारधारा चल रही है, जिस तरह से माहौल चल रहा है, प्रेम में ऐसी जबरदस्ती, प्रेम में ऐसी मानसिकता, हत्या कर देना, टुकड़ों में काट देना, ये कहां जा रहा हमारा समाज और कौन इसका जिम्मेदार है? जी गौरव जी, बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है, और ये वाकया जो कि दर्दनाक है, जो कि आत्मा को पुरोचने वाला है। मैं कहूंगी कि आज मेरा बयान थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से ना लेकर के, मैं एक महिला हूं और महिला दिल से ही मैं कोई भी बात और बयान को रखूंगी, क्योंकि बहुत ही आहत है महिला का हृदय। ये कैसे हो सकता है, ये प्रेम कैसे हो सकता है, ये प्रेम की चीजें कैसे हो सकती हैं? प्रेम तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो मुहिम है क्या ये प्रेम नहीं तो कंचन जी मुहिम है क्या? जी फर्स्ट पॉइंट, मुझे थोड़ा इको मिल रहा है तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करिए आप। इको कंट्रोल किया जाए कंचन जी का। मैं कहूंगी कि इसे आपको याद होगा 2010 का एक केस था जो कि एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी को 72 टुकड़ों में काटा था, याद आ रहा होगा। तो इस मुहिम को मैं फिलहाल अभी हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं देखूंगी, इसे फिलहाल मैं प्रेम के तौर पर देखूंगी। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, कैसे कर लेते हैं ये लोग, ये हैवान, ये शैतान, ये क्रूर लोग, इनकी आत्मा क्या मर जाती है, क्या ये कैसे हो जाता है? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस तरफ की हिंदू की मुस्लिम की, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, चाहे फिर वो आफ्ताब हो या फिर अमन, चाहे फिर वो समीर हो या फिर शिवम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगी कि ये लोग केवल ये, और गौरव जी एक बात, इन लोगों के लिए लड़की का मतलब सिर्फ इनकी बहन होती है और महिला का मतलब सिर्फ इनकी माँ, बाकी दुनिया की सारी लड़कियों को ये लोग ठेका लेके बैठे हैं कि ये बर्बाद करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगी कि फांसी की सजा बहुत कम है, इनके लिए जेल की सजा बहुत कम है, इनको फर्क नहीं पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। वो कह देते हैं हाँ जेल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी आत्मा ही नहीं है। जो व्यक्ति एक लड़की की आत्मा के 72 टुकड़े, जिस्म के 72 टुकड़े और 32 टुकड़े कर सकता है, ऐसे लोगों के लिए मैं मांग करती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इनके लिए नए सजाएं नियुक्त किए जाने चाहिए, नई सजा बनानी चाहिए। लोगों को कौन सी सजा दी जाए? कंचन जी, सजाएं मिलती कहाँ है? हमारे तो नया व्यवस्था में 10-10 साल लग जाते हैं। निर्भया वाला मामला 12 में रहा, 20 में सजा। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ऐसी सजा होनी नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ ऐसे लोगों के लिए तत्काल खुले में नग्न करके ऐसे लोगों को फांसी दे जानी चाहिए कि इनकी रूह भी 72
टुकड़ों में कटे और ऐसे लोगों के साथ वही होना चाहिए जो ऐसी भोली वाली लड़कियों के साथ में जो प्रेम के नाम पर प्रेम का मतलब नहीं समझते ये लोग। प्रेमा कुमर्थो महान हमारे ग्रंथ में कहा गया है, राम को देखा जाए, राम के पदचिन्हों पर चला जाए, राम की प्रक्रियाओं को देखा जाए, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी पत्नी से कहते थे तब तो प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, मैं और तुम एक हूँ, मन ही एक है। और फिर प्रेम करने वाले आजकल के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बात तक टुकड़ों में कर सकता हूँ, कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानती। मैं कहूंगी कि ऐसे लोगों के लिए ऐसी कोई नई सजा होनी चाहिए। मेरा आज मन बहुत ही दुखित है और बहुत पीड़ा के साथ, बहुत हृदय भर करके मैं बात आपसे बोल रही हूँ कि ये मैंने 2-3 डिबेट्स की हर चैनल पे की और बहुत ही ज्यादा दुखित है ये मेरे लिए, बहुत पीड़ादायक है क्योंकि एक महिला हूँ और महिला होकर के मैं अपने महिला हृदय के तौर पर इस चीज को देखूं तो सभी को इस पर बात उठानी चाहिए। मैं शिकायत करूंगी, मैं बोलूंगी कि प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की राजकुमारी है जो कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो आज कुछ बोल नहीं रही है, नेता कोई कुछ बोल नहीं रहा है, किसी का एक बयान नहीं आ रहा है, नहीं आएंगे, नहीं आएगा या बयान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कैसी महिला इनका हृदय है जी, यहाँ राजनीति के सारे क्या लखीमपुर कांड नहीं है जहाँ भाग के जाना पड़े 2:30 बजे, क्या लोगों की जी या लखीमपुर कांड नहीं है, यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं होगी कि 2:30 बजे लोग जाएंगे और संघर्ष करेंगे। हमारे समाज सेवी के रूप में आरती अनु मिश्रा जी हैं। अनु जी फाउंडेशन भी चलाती हैं और महिलाओं के लिए तमाम सामाजिक कार्य आप करती लगातार करती आ रही हैं, कैसे देखती इन घटनाओं को? मुहिम है कि प्रेम है कि बर्बरता है या अंधापन है, कैसे क्या कहेंगे इसको आप? देखिए इस जो घटना हुई है ये वाली श्रद्धा वाली जी, ये कोई ये बर्बरता ही कही जाएगी, ये प्रेम नहीं कहा जाएगा जी। क्योंकि अगर प्रेम होता तो शायद उसके 36 या 35 टुकड़े उस लड़की के नहीं किए जाते जी। और इसका सबसे बड़ा जो है जो कारण है वो ये है कि सोशल मीडिया, अच्छा सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है। लड़कियां फेसबुक से व्हाट्सएप से लड़कों से जुड़ती हैं, अच्छा। और उसके बाद वो अपना हर्ष क्या कराती हैं जो प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है जी। और मुद्दा दिया जाता है राजनीति को तूल दिया जाता है, धर्मगुरुओं को तूल दिया जाता है, जिहाद को तूल दिया जाता है, जबकि लड़कियों को, मैं खुद भी एक महिला हूँ, लड़कियों को खुद समझना चाहिए सारी चीजों को कि वो क्या करने जा रही है। जिन माता पिता ने उनको जन्म दिया वो उनको छोड़ करके, उनका प्रेम छोड़ करके, जिसको वो जानती नहीं उसके साथ चली जाती हैं, और उसके बाद वो अपना क्या हर्ष करवाती हैं वो आप सब देख रहे होगे। और यहाँ पर हम उस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर हम बैठे हुए हैं जी। अनु जी पर यहाँ पर क्या एक प्रचार होना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए जिस तरह से स्थिति चल रही है? देखिए क्या है ना कि कोई भी हमारे देश में कोई सजा का प्रावधान ऐसा नहीं है, जैसे निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के लिए मैं 12-15 साल बाद जो भी चीजें आई उसमें कुछ तो नाबालिग घोषित कर दिए गए कि वो नाबालिग थे, बच गए। यहाँ पर दंड का ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि तुरंत का तुरंत गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा। जब एक दो बार ऐसी ये सब चीजें होंगी तो कभी भी शायद आगे कोई लड़की, किसी माता पिता की लड़की का ये हर्ष नहीं होगा। ठीक है ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में भुवन जी है। भुवन जी प्रतिक्रिया नहीं आई है, यहाँ पर दर्द नहीं हुआ क्या? कहना चाहूंगा जी, दर्द किसी का ट्वीट नहीं आया है, मैं वही देख रहा हूँ कि बयानबाजी हुई है, महिला आयोग ने बयान दिए हैं, कांग्रेस ने बयान दिया है, अब तक कोई बयान नहीं आया सपा से कि दर्द हुआ भाई, तकलीफ हुई, पर तकलीफ तो होनी चाहिए भाई। और सबसे बड़ी बात है महिला उम्मीदवार भी नहीं बोली अब तक, उधर तो डिंपल यादव भी बोल देती चुनाव में है जी। यदि आपके कोई और प्रश्न भी है बोल दीजिए फिर मैं। नहीं नहीं हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, दर्द है तभी बोल रहा हूँ, दर्द है तभी बोल रहा हूँ जी। दर्द आपका जायज है और मुझे भी बोलना, मेरी भी आदत है, मैं फ्लो में बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जी, आपके चैनल जिम्मेदार जी, मैं इतना बोलना चाहता हूँ इससे मानवता और धर्म जी, समाज जी, सभी सभी का हनन हो। अच्छा। मैं क्या इससे जो समाज में जो हमारा जो वैमनस्य है वो जाता है जी। धर्म कभी इस तरह की घटनाओं के लिए, कभी भी किसी का भी धर्म हो, अच्छा, चाहे वो कोई धर्म हो, अच्छा, कोई इस तरह की बातों के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मानवता है उसकी तो हत्या हो जाती है ऐसी।
कि मानवता कभी हमें किसी का वध करना, किसी की हत्या करना, ये पाठ किसी धर्म में मानवता में नहीं है जी। तो इनकी जितनी निंदा करी जाए जी वो कम। अच्छा, और मैं कहना चाहता हूँ इसको किसी जाति विशेष से जोड़ना, किसी धर्म विशेष से जोड़ना, मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ अभी हमने गुजरात की एक घटना देखी जी। हमने देखा कि वहां पर एक अल्पसंख्यक समाज की बेटी को हत्या हो जाती है, उसके बाद जो उनके जो और हमारे माननीय न्यायालय द्वारा उनको छोड़ दिया जाता है, और किस राजनीतिक दल ने उनको वीर कहा, वीरों की संज्ञा दी और उनका सम्मान। ये देश और प्रदेश को बताने के लिए काफी है कि कौन सी पार्टी अपने धार्मिक एंगल से लोगों को बरगलाने का काम कर। चूंकि ये विषय बरगलाया था क्या आपता को बरगलाया गया था क्या कोई आपता को बरगलाया था क्या? एक सामाजिक आपने आज मुद्दा उठाया गौरव जी, इसलिए मैं इसको राजनीतिक मंच नहीं बताऊंगा भाई। आप तो शुरुआत कर देना, गुजरात को लेकर चलेगा भाई, आप गुजरात क्यों लेकर चलेगा? आप ही राजनीति शुरुआत की है, मैं तो शुरुआत ही नहीं किया हूँ राजनीति की, आप ही तो राजनीति लेके शुरू की है। मैंने मैंने कहा कि मैंने कोई पार्टी का नाम नहीं दिया जी, मैंने एक भी राजनीतिक दल का नाम नहीं दिया, ठीक है। मैंने कहा कि एक अल्पसंख्यक समाज की बेटी की हत्या हो जाती है, उसके जो मुलजिम थे उनको कानून द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, कौन सा राजनीतिक दल उनको सम्मानित करके देश और प्रदेश में क्या संदेश देना चाहता है, ये उनको उनको तय करना है, ठीक है। मैं निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार प्रवक्ता के होते एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूँ। अगर अल्पसंख्यक बहनों का साथ इस तरह का होता है हम इसको भी घटना की निंदा करते हैं, और अगर हिंदू महिला के साथ, हिंदू हमारी बेटियों के साथ इस तरह की घटना घटती है हम इसकी भी निंदा करते हैं। हम समाज को नंदा केवल डिबेट पे होगी, अब तक कोई ट्वीट ही नहीं आएगा किसी बड़ी बड़ी पार्टी की तरफ से कम दर्द बता दे कि हाँ भाई हमें सहानुभूति है। लखनऊ की घटना पर भी कोई यानी किसी का ट्वीट नहीं आया, बड़ी बड़ी घटनाओं पर ट्वीट करने वाले लोग हैं, पर मैंने वही देखा है भुवन जी कि ना दिल्ली घटना पर कोई ट्वीट आया है ना लखनऊ की घटना पर ट्वीट आया है। लड़की किसी की हो, हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, लड़की लड़की होती है, बर्बरता हो बर्बरता बर्बरता होती है, हत्या हत्या होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्द होना चाहिए। खैर ट्वीट आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होना था वो तो हो चुका है, फिलहाल समाज में बदलाव जरूरी है, ठीक है। गौरव जी हमने इसी विषय को कहा आपके चैनल के माध्यम से, हमने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की बेटी है तो भी इतना ही दर्द होना चाहिए, और हमारे अगर हिंदू समाज की बेटी है तो उसका इतना दर्द होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे समाज में, हमारे धर्मों में, हमारे कानून में इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है, इन घटनाओं की निंदा हो। चलिए ठीक है, निंदा करिए, ठीक है ठीक है। हमारे धर्मगुरु के रूप में पंडित आचार्य उपाध्याय जी, राजन जी जी भाई घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि मुहिम चलाई जा रही है, लव जिहाद है और बरगलाया जा रहा है, यानी जानकारी बिना अभाव में रख के धोखा देकर हिंदू लड़कियों को उकसाया जा रहा है जिस तरह घटनाक्रम चल रहा है, और ऐसा नहीं केवल दिल्ली घटना है, तमाम ऐसे मामले हुए हैं, ये तो मामले केवल दो दिन के मामले बता रहे हैं, तीन मामले हो चुके हैं आजमगढ़, लखनऊ और दिल्ली, कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है क्या कि संस्कारों की कमी है। अच्छा। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जो शास्त्र का जो हमें है आचार्य हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे संस्कार की कमी, किसी एक ही परिवार से, किसी ऐसे ही एक ही वर्ग से ऐसी घटनाएं अधिकतर क्यों हो रही है? भारत में नहीं, विदेशों में भी अगर सबसे ज्यादा मान हानि हो रहा है किसी एक ही धर्म वाले को क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे संस्कार की कमी। देखिए संस्कृत में एक श्लोक है, यन्नवे भाजने लगना संस्कारोक्न न्याथा भवेत अकथा छेलन बाला नाम शिशु इति कथ्यते। इसका अर्थ होता है कि बालक जो होता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, वो सब कोरा कागज के समान होते हैं, मैं बता रहा हूं। लेकिन जो बाद में उसे संस्कार जो दिए जाते हैं, जिस परिवेश में वो पलता है, जिस कुल खानदान में पलता है, जिस धर्म में पलता है, जो संस्कार उसको दिए जाते हैं वो महत्व करता है। तो यह श्लोक में यही बताया गया कि यन्नवे भाजने लगना संस्कारों को नन्यथा वेद कथा छेलन बाला नाम शिशु इति कथ्यते। मतलब बालक तो कोरा कागज समान ही होती, बालक जो होता है वो कोरा कागज के समान होता है, जेन प्रकार न जिस प्रकार से तस्य माता पिता गुरु, उसके माता पिता गुरु
गुरु या उसके धर्म के जो रक्षक हैं, वो लोग जैसे जेन प्रकार जिस प्रकार से संस्कारम ददाती तथैव सहस्वजीने प्रफुल्लितम, ये जो समाज में देखने को मिल रहा है ना उसके, मैं तो यही कहूंगा कि उसके धर्म गुरु पे पहले बोलूं, क्योंकि ताकि उनके धर्म गुरु आ करके उनको समझाएं। मेरे उनके धर्म गुरु से कोई मेरे को द्वेष नहीं है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत अच्छे कार्य करते हैं, समझे ना। लेकिन हाँ, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि क्योंकि अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कंप्लेन होती है कि नहीं होती है, गुरु को भी हास होती है। उसी प्रकार जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो लोग भी हैं धर्म गुरु हैं, उनको शर्माना चाहिए और उनको अपने परिवार के, क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं है ना, उसको तो गोली मार देंगे, चलो ठीक है, उसको खड़ा करके गोली मारेंगे, बहुत अच्छी बात, मैडम ने कंचन जी ने बताई है, इनका मैं समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी बात बोली है, वैसा करना भी चाहिए ताकि बाकी के मन में डर आएगा। लेकिन हम एक एक करके क्या करेंगे, बाकी जो धर्म गुरु हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है, वो लोग फॉलो करेंगे अपने जीवन में तभी जाकर कुछ अच्छा होगा। देखिए मैं ये मालूम करना पड़ेगा उनको सिखाया कौन था, क्या मालूम करेंगे आपको सिखाया कौन था, ये जानकारी करनी पड़ेगी हमको कि सुफियान कौन सिखाया, आपको कौन बरगलाया। हाँ, जाहिर सी बात है, जब उनके धर्म गुरु लोग हैं, जैसे संस्कार दे रहे हैं वैसा अच्छा। ही दिख रहे हैं, तो एक आदमी को नहीं ना कहेंगे अच्छा। हम यहाँ पर पूरे मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि उनको जो धर्म के शिक्षक हैं, धर्म के गुरु हैं, वो जब ध्यान देंगे तो सबके ऊपर फर्क पड़ेगा, समझे ना। कई एक बच्चे फिर उसके बाद में ऐसे घटनाएं होना बहुत कम हो जाएंगे। इसका मेन यही चीजें हैं कि जब हम पहले यानी कि जड़ में जब ध्यान देंगे ना, जड़ में ध्यान देंगे तो उसके बाद में छोटे 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 पत्ते सारे ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है आमिर भाई, बड़ी घटना है और मानवता शर्मसार हुई है, जानकारी आपको भी हो, तमाम ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो चुकी है। पर जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि लव जिहाद है, जानबूझ के बरगलाया जा रहा है, धोखे में रखा जाता है, अपने आप को हिंदू बताया जाता है और फिर इस तरह इनकी हत्या कर दी जाती है, तमाम मामले ऐसे आ रहे हैं, जैसा कि तमाम तरह के बयान अलग अलग पार्टियों के नेताओं के आए हैं, कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस बहस में शामिल किया। देखिए, मसला ये नहीं है कि किसकी हत्या हुई, अपराध अपराध है जी, और अपराध को अगर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाएगा तो वहीं पर विवाद पैदा होता है, वही गलत हो जाता है। गौरव जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, देखिए इस तरह की घटना कोई पहली नहीं है जी। अभी कुछ दिनों पहले एक मड़ियाँ की लड़की थी इशरत जी, वो सोनी तिवारी बन के रही, उसकी भी हत्या हुई। अच्छा, उसके अलावा चेन्नई में दो हत्याएं हुई जी, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में अभी हुई हत्या कुछ दिनों पहले जी। तो धर्म के चश्मे से इसको ना देखा जाए, और हमारे आचार्य जी कह रहे थे, फरमा रहे थे कि धर्म गुरु, देखिए धर्म गुरु हो, धर्म गुरु तो बहुत दूर की बात रही। अच्छा, माँ बाप भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा गड़बड़ हो, लेकिन जब बच्चों को ये संस्कार की बात कही, घर के किसी के संस्कार खराब नहीं होते हैं। अच्छा, जब वो सोबत में बैठता है अपने दोस्तों की, मित्रों की, तब वो खराब होता है। अच्छा, और जो बात आपने कही कि नाम बदल करके, देखिए नाम बदलने कोई मतलब नहीं, तमाम जैसे मैडम ने कहा, आरती मिश्रा जी की बात से मैं बहुत 99% सहमत हो सकता हूँ कि व्हाट्सअप से और फेसबुक से चैटिंग होती है, उसके बाद ताल्लुकात बनते हैं। पहली बार गौरव जी, मैं एक बात और अलग हटके कह दूं जो अभी तक किसी ने नहीं कही है, कि अपने स्वार्थों के लिए जब कोई कानून बनाएगा निजी स्वार्थों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। क्या लिविंग इन रिलेशनशिप जो कानून बनाया गया है गौरव जी, ये सिरे से ही खारिज करता हूं मैं, वो गलत है। अच्छा, और इसी की वजह से आज ये परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि बलात्कार पहले नहीं होते थे, होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन जितनी घटनाएं अब आ रही सामने उतनी घटनाएं नहीं होती थी, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। लेकिन जब से ये बिल्कुल बाकायदे कानून बन गया, बल्कि इससे भी बड़ा एक कानून और बन गया था शायद, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है वो कांग्रेस की सरकार थी, के सेम होमियोसेक्स वाला कानून जो आ गया था, अब उसको मैं हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ, समलैंगिक जो कानून बना था। अब आप बताइए, जब आप प्रकृति के अनुरूप काम करेंगे, विरोध काम करेंगे, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो खड्डे पैदा होंगे और कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होंगे। गौरव जी, इसमें धर्म का कोई, देखिए अपराधी अपराधी है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो। और मैडम ने गोली मारने की बात कही है, गोली मारना तो बहुत आसानी से बात है, आदमी आसानी से मर जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो इस्लाम में कानून है, तो उसको आधा खड्डा खोद कर गाड़ दिया जाए और उस पर पूरी मजमा इकट्ठा हो और उस पर पत्थर मारे। अच्छा, बिल्कुल धर्मगुरु बोला नहीं अब तक, ऐसा नहीं, इसी तरीके से बयान नहीं आया है, किसी का बयान नहीं आया ऐसा। देखिए बयान एक बात सुन लीजिए, किसी भी धर्मगुरु का ये भी बयान नहीं आया कि उन्होंने इसकी वो की हो। आप सुन लीजिए, हम
इस विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहते और अच्छा हमारा कोई धर्मगुरु नहीं पढ़ना चाहता है अच्छा कि सबने घटना की कंडम किया। अब आप अच्छा आप कैमरा लेके अच्छा आइए अच्छा और किसी धर्मगुरु का बयान लीजिए अच्छा अगर वो ये कहेगा ये सही हुआ अच्छा तो आप उसका गरेबान पकड़ हुई मारिएगा, कोई नहीं कहेगा अच्छा सब इसकी घटना की निंदा करेंगे और अच्छा जितनी भी निंदा कर सकते हैं मतलब निंदा की भी निंदा कर सकते हैं वो करी जाएगी। ऐसा नहीं कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा। हमने कभी किसी बलात्कारी के फेवर में जुलूस नहीं निकाला ना किसी बलात्कारी का स्वागत किया। गौरव जी मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, अखबार चैनल चला रहे हैं, बहुत मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि किसी भी मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम धर्मगुरु ने मुस्लिम नेता ने कभी किसी बलात्कारी का ना तो समर्थन किया, समर्थन बला जुलूस निकालना बहुत बड़ी बात है, समर्थन तक नहीं किया है और ना ही कोई हिमायत कभी करेगा। और जब भी आप किसी पास जाएं, विरोध भी नहीं किया है, नहीं विरोध क्यों नहीं किया है, विरोध तमाम अभी घटना हुई है, कोई विरोध आया है? देखिए एक चीज, किसी ने कहा है गलत हुआ है, आप गए जी, देखिए आप गए जी, देखिए एक जैसे बयान आ जाते हैं भाई, बयान आ जाते हैं, जैसे 25 चैनल लगे थे अभी अच्छा गिरिराज सिंह के सामने और उन्होंने कहा इसी तरीके के चैनल आप किसी धर्मगुरु के सामने भेजिए, अगर वो कहे हिमायत करे इस चीज की अच्छा तब आप बताइएगा। ठीक है, कंजन जी को जवाब बोलना चाहिए, हम अभी आपके चैनल पे कह रहे हैं हम इस घटना की निंदा करते हैं और गोली मारना तो बहुत छोटी सी बात है, आदमी तुरंत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम से कम लाखों लोग हजारों लोग सामने उनकी बहुत दुर्दशा होनी चाहिए ताकि उसकी नस्लें नहीं तमाम लोगों की नस्लें याद करें। चलो आमिर भाई बोल दे, भाई को बोला नहीं है, सदा ये होती है। आमिर कंजन जी क्या बोलना चाह रहे, कंजन जल्दी जी, मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई मुस्लिम स्कॉलर इस तरीके से बोल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक काम करिए, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के लिए सब रोड पर आकर के खड़े हो गए थे, एक बार आप भी खड़े होकर के सबको बुला लीजिए जो जो नुपुर शर्मा के विरोध में थे और जो कह रहे थे सर तन से जुदा वाला जो नारा था ना, अगर आप खड़े हो जाएंगे ना मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी, और केवल चैनल आपने राजेश वाले मामले में क्यों डिबेट में नहीं बैठी आप, आपने कोई बयान दिया? अरे कठुआ में आसिफा बलात्कारी कांड पे आपका क्या बयान आया था आप बताइए? अरे आपकी संस्था ने तो आपकी पार्टी ने तो उनका स्वागत किया था, उनसे फेवर में जुलूस निकाले थे। अरे छोड़िए कंचन जी, आप धर्म पे बात ना करिए, आप सामाजिक बात करिए, अपराध अपराध है, चाहे वो कोई अपराध अपराध है, नहीं वो उसमें कोई जाति कोई धर्म उसमें वो नहीं है, नहीं फाउंडेशन नहीं किसी जाति धर्म की, अपराध अपराध है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सख्त सख्त सजा मिले, लेकिन मैंने कभी हिमायत नहीं करी, मैंने कभी समर्थन नहीं करा। कंचन जी ना ना ना, आप मुद्दे को उलझा रही है, आप मुद्दे को उलझा रही है, नहीं क्या कर रही है, आप उलझाना चाह रही है, आप हिंदू मुस्लिम क्यों ला रही है, आप हिंदू मुस्लिम अपराध मेरी अपराध अपराध है, मैं पहले कर रहा हूँ। यही चीजें आपकी बताती है की आप समर्थन करते रहते हैं लोगों के साथ, आपकी भी यही चीजें बता रही है, आप समर्थन कर रही है, मैंने क्या बोला, आप मेरा एक बयान कर रही है, हिंदू मुस्लिम में बात कर रही है, जो आप मेरी शुरू की कोई मतलब ही नहीं हिंदू मुस्लिम, आप इस ऐसा ने मुसलमान आपके कौन को खराब करने वाले बनते, अगर आप कहते हैं कि मेरा है आपके मुसलमान समाज के आगे आपके समाज को देखा है आपके घर को स्वयं लोग भी अपने आप को आप ज्यादा सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको राजनीति करना है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, सुन लीजिए बारे 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 बोलते रहिए। अरे रोड में जैसे जैसे वैसे ही खड़े हो जाइए, आप लोग रोड पे नहीं आ सकते कि किसी बलात्कारी का समर्थन कर रहे हो, हम किसी बलात्कारी के फेवर में झूठ निकाल रहे हैं, हम कंडम कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, ये जो बाकी है कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ उस बात से कि ये जो भी चीजें हो रही है अधिकतर ऐसा ही क्यों हो रहा है, 99% ऐसा ही क्यों हो रहा है कि इनके धर्म के लोगों की वजह से ही सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। एक नाम मुझे बिहार में दो कांड हुए, लखनऊ में तीन कांड हुए, अरे अभी आशियाना में कांड हुआ था, क्या बात कर रही हैं आप, अभी बढ़िया में कांड हुआ था राजेश,
जवाब देता बोले अमर भाई बोलिए। अगर आप थोड़े भी चीजें सहमत होते ना भावनाओं से, आज मुझे ये नहीं कह रहे हो कि मैं अखंड दिखाई दे रही हूं। मैं यही समझते हैं कि आप लोग महिला के बारे में क्या सोचते हैं। आप एक महिला के अरे आप एक यार वो विधायक सेंगर था उसको इतने दिन लटकाए रखा गया तमाम नेता सरकार है आपके घर को दिखाता है कि महिला के महिला से कह रहे हैं कि आप अखंड आ रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म करिए मौलाना साहब, थोड़ा सा शर्म करिए, कभी कभी मुद्दों पर चर्चा करिए, अपना चेहरा खुले आप मत दिखाया करिए। आप है क्या जी? ठीक है पवन जी, बहुत जरूरी है मूल्यांकन इस बात का। घटना तो हुई है और घटना के आंकड़े भी अलग हैं, पर जिस तरह से एक अलग तरह से माहौल बन रहा देश में, क्या कोई मुहिम है या लोग बना रहे हैं बयानबाजी के माध्यम से? क्या है स्थिति? ये है टुकड़े कर देना, इतनी बर्बरता, छत से फेंक देना इतनी बर्बरता, ये प्रेम है कि अंधापन है कि साजिश है, कैसे देखते हैं आप? गौरव जी जी, हम आपको थोड़ा बैक ले चल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे जी, 3 महीने पीछे आप चलेंगे जी। तो अभी ये दिखाई पड़ रहा था उसी पे हमको याद आया, 3 महीने पीछे हम चलेंगे जी। तो हमारे प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में जी, मदरसे जो भी हैं उनके मुआयना हो रहे थे, सर्वे हो रहे थे, क्या है क्या नहीं है। इसके पीछे रीजन ये था कि जो गवर्नमेंट के मदरसे थे उसमें से नीट से पास आउट बच्चे 1200 प्लस थे जी, बिल्कुल। तो लेकिन जो प्राइवेट जो लोग चंदा बनाकर सोसाइटी बनाकर काम करते हैं उससे कुछ निकल नहीं पा रहे थे, समझिएगा आप जी। तो हम उसी मुद्दे से इसको आगे जोड़कर चलेंगे, ठीक है। मुद्दे का मतलब यह है कि जैसे आज हमारे पास सोशल मीडिया साइट्स हैं और मीडिया बहुत आगे निकल चुकी है जी, बिल्कुल, चाहे वेब पोर्टल हो, बहुत सारे साधन है, यूट्यूब हो गए हैं जी। तो ये हम लोग के पास जल्दी से आ जाता है जी। पहले क्या होता था कि हम लोग के पास तक आ नहीं पाते थे, ये घटनाएं होती थी पहले भी, होती थी आज भी हो रही है। अब आज में और पहले में अंतर हो गया है, अब हमारे पास एक भी घटना अगर घटित होती है तो हमारे पास आ जाती है। लेकिन इस घटना का देखिए, अशिक्षित से तो जोड़ा जा सकता है, धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। अशिक्षित से अगर कोई है, अनपढ़ है, जाहिल है, उससे हम जोड़ सकते हैं इस घटना को, लेकिन हम किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। हम सभी मुस्लिम की बात तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मेरा जो मुस्लिम धर्म जो था उसमें शिक्षित की जो है अनुपालन कम था, प्रतिशत कम था, ये सच्चाई है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़े दोषी जो कहे जाएंगे मेरी नजर में एक माँ और बाप है। अच्छा, केवल एक माँ और बाप है इसके पूरे पूरे दोषी। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। आज आप गौरव जी आप बताइए, हमारे यहाँ पैनलिस्ट में 6 लोग बैठे हुए हैं और जितने भी हिंदू हमारे हैं वो ये बता दे कि श्रीमद् भगवद गीता कितने परिवार में कितने बच्चों को जानते हैं, कितने पढ़े हुए हैं जी। इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, धर्म की बातें नहीं बता रहे हैं। धर्म कोई भी हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो या कुरान हो, बाइबिल हो, कोई भी पुस्तक हो, वो कभी भी अधर्म की बात नहीं सिखाता है, वो हमेशा अच्छी चीज सिखा रही है। लेकिन अभी जिसे भी कंचन जी से, भाजपा प्रवक्ता जी से और आमिर साबरी से जब नोकझोंक शुरू हो रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ, ये नहीं होना चाहिए, राजनीतिक रूप नहीं आना चाहिए। देखिए सभी धर्म ठीक हैं, लेकिन हाँ ये है कि एक धर्म के प्रति जो है, जो अशिक्षित थे, जाहिल थे, वो उनसे नादानी हो रही थी, उस पे रोक लाना चाहिए। सरकार को कठोर नियम इस पे बनाना चाहिए, केवल जो सरकार की जो अदालत की योजनाएं हैं उस पे न्याय नहीं मिल पाएगा, ये सच्चाई है। क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे हैं, आज 10 वर्षों से 15 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, वो केस चलता रहता है उससे न्याय नहीं मिलने वाला है। उसके लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए, जो कि लोगों के अंदर डर भय ये व्याप्त है कि ऐसा कार्य ना करें। पवन जी, पर एक मेरा सवाल रहेगा, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा जी बोलिए, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ये चीजें धर्म से शुरू होती है और न जाने क्यों 99% के ये
जो अलग एक धर्म है उसी तरफ से ऐसा क्यों हो रहा है? ये हिंदुओं की गौरव जी राजनीति के मूड में नहीं हूँ और मैंने पहले ही बोला कि मैं राजनीति नहीं करने बैठी हूँ। कंचन जी आज ये बहुत गंभीर मामला है और इसके लिए देखना चाहिए ये धर्म गुरु लोग जो लोग मुस्लिम स्कॉलर लोग जो लोग खड़े हो जाते हैं जो नूपुर के लिए खड़े हुए थे वो लोग कहाँ गए हैं आज? मैं चाहूंगी कि वो लोग आज निकल करके बाहर आए और उसका ऐसे ही बायकॉट करें, ऐसे ही आंदोलन करें जैसे कि उसने किया था। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा अगर ये जो धर्म गुरु लोग और ये जो बड़े लोग इनके आला लोग अगर कहने लगेंगे तो जो बच्चों में कमियां हैं खामियां हैं वो बदल जाएंगी। ये चीजें अपने घर से होती है, अपने परिवार से होती है, संस्कार से होती है। मैं सहमत हूँ, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल धर्म से संबंधित है सारी चीजें, कानून हर तरीके से सभी को वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। जब हम सारे लोग खराब हो जाएंगे, सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, कंचन जी आपके पास कोई एक लाइन का बयान है किसी धर्म गुरु ने बलात्कारी का समर्थन किया हो या उसकी फेवर में बात की? बोले भी नहीं ना। अरे अरे आप बताइए तो भाई, और तमाम अखबारों की कटिंग है, तमाम चैनलों में मिल जाएगा आपको कि आपने बलात्कारी को फेवर में जरूर निकाले। मुझे नहीं दिख रहा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, तमाम बलात्कारी आज मैं छोड़ दिए कंचन जी, आप एक किसी धर्म को ना अपराधी अपराधी है, किसी धर्म को किसी जाति को आप अपराधी का विरोध करिए, आप धर्म का विरोध ना करिए। मैं आपका साथ हूँ, साने से साना मिला के चलूंगा, आपसे दो कदम आगे चलूंगा। आपने सिर्फ गोली मारने की बात कही थी, मैंने उससे बड़ी सराही बात कही, आपने तरफ तरफ की मदद करने के लिए तो खड़े पुतले का मजाक कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप फिर वही हिंदू मुस्लिम चश्मा देने लग रही है, अपराधी को हिंदू मुस्लिम चश्मा देना देगी, अपराधी को अपराध देने देगी, अपराधी को कानून से बोलने देगी, अपराधी को यही गलत है। कंचन जी आप गलत स्टैंड ले रही हैं, आप गलत स्टैंड ले रही हैं, आप गलत स्टैंड ले रही हैं, आपको शंकर जी बलात्कारी का मजाक बना रहे हैं, कोई नहीं है, हो गया हो गया, केशव प्रसाद मौर्य को बलात्कारी का मुकदमा दर्ज कर उसके बाद भी होता है ऐसा। अरे कंचन जी आप अपने गलेबान झांकिए, दूसरे धर्म पे इल्जामात ना लगाइए, राजनीति ना करिए, ये वास्तव में बहुत भयानक मुद्दा है, बहुत खतरनाक मुद्दा है, बहुत अफसोसनाक मुद्दा है, बहुत शर्मनाक मुद्दा है। पवन जी आप कुछ बोल रहे, बोलिए पवन जी। ये शर्म आना चाहिए जी, चाहे हमारे इस्लामिक स्कॉलर हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता, नहीं नहीं जो तू मैं हो ये नहीं होना चाहिए। मैं तो राजनीति कर रही, हमने तो आपकी हर बात पे स्वागत किया, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो ये नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। आप पवन जी को बोलने दीजिए, आप ही बोलिएगा, नहीं आप ही बोलिएगा, अरे वरिष्ठ पत्रकार इनको बोलने दीजिए भाई, अरे आप बोलने दीजिए इनको वरिष्ठ पत्रकार को, आप बोल दीजिए, अभी बहुत समय गौरव जी पर, अरे गौरव जी अभी जो तू तू मैं हो रहा था ये नहीं होना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट पे अगर हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो यहाँ जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मानवता की कमी है, ये दर्शाता है, चाहे भी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हो, चाहे फिर इस्लामिक स्कॉलर के जो हमारे मित्र बैठे हैं ये हो, ये कहीं ना कहीं मानवता की कमी है, हृदय में कमी है, ये कठोर करना पड़ेगा और ये सभी को निर्णय लेना होगा। जैसे बीजेपी प्रवक्ता महोदय हैं, इनको लाना होगा, जो कर रहे हैं योगी सरकार कर भी रहे हैं, अच्छा। ये भी मानना पड़ेगा, अभी हम मदरसे पे आ रहे थे, शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, वो किसी भी धर्म से जुड़े हों। जैसे अभी तक जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होता था, पिछले 20 साल 25 साल 30 साल की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा से दूर किया गया था, ये सच्चाई है, वो चाहे राजनीतिक लोग किए हों या जैसे भी किए हों, शिक्षा से इनको दूर किया गया था। अब योगी जी की सरकार आई है, वो शिक्षा पे नए नए कायाकल्प योजना कह रहे थे, तब मदरसों में भी आधुनिकीकरण हो रहा है, कंप्यूटरकृत हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है और नीट से 1200 बच्चे पढ़े हैं मदरसों से, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जब ऐसे बच्चे जाएंगे तो वो अशिक्षित के वजह से ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे आपकी दुबग्गा का ले लीजिए, चाहे आपका पढ़ा लिखा कहीं आपका का भी कहीं का भी हो, शिक्षित समाज ये सब नहीं करते, इससे भागते हैं, कभी नहीं करेंगे वो। लेकिन अभी हमारा आपका कर्तव्य होता है कि हर एक माँ हर पिता वो अपने बच्चों को संस्कार दे, बताए कि क्या करना चाहिए, इसे
बच्चे स्टेटस तो देखते हैं दिन भर, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम सब चल रहे हैं। पढ़ा लिखा था जी, राजेश जी पढ़ा लिखा था मैडम, और जो अभी अदालत ने छोड़ा है गुजरात की और उनको लोगों को बलात्कारी भी थे, 5 साल की बच्ची की हत्या भी किए हुए थे। मतलब अगर किसी के पास डिग्री है, अगर वो मानवता की सीख नहीं पढ़ पाया, आप जब तक अरे भाई थोड़ा शांत रहिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, थोड़ा देर के लिए आप लोग शांत रहिए, थोड़ा देर के लिए आप लोग शांत हो जाइए। देखिए मैं ये देखिए, ओम कंचन जी एक महिला है और महिलाओं को पीड़ा के अच्छा से जान सकती है। वो यहाँ पे कंचन जी जो बोल रहे हैं ना, वो भाजपा के वजह से नहीं बोल रही है। आप सब देखिए, आप भी एक धर्म रक्षक है, मेरा बात सुनिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा देर के लिए चुप हो जाइए। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए वो एक नारी है और एक नारी दूसरे नारी का सम्मान करना हमसे आपसे ज्यादा अच्छा जानती है और वो बोल सकती है, उनके अंदर में आग है, वो बोल सकती है, क्यों नहीं बोल सकती है? उस बात को सुनने की जरूरत ना कि वो बोले तो हमारा, देखिए हम भी हैं, हम उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि वो बोल रहे हैं तो हम उसी बीच में बोलने लगे। हम आपको जरूर कहेंगे आमिर साहब जी, आप अगर वो बोल रहे हैं तो उनके पूरे बातों को सुनने दिया जाए, सभी लोग सुनने वाले हैं, टीवी पर बहुत सारे लोग सुनेंगे, उनके बात को पहले नंबर तो सुना जाए, क्योंकि हम जब सुनेंगे तभी ना उनके विषय में कुछ बोलेंगे, तो सुनने का कोशिश करें उसके बाद में बोले, और उनका बोलने का फर्ज है। देखिए रही बात कि वो बोले हैं कि वो लड़का पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा, लेकिन क्या है ना, शिक्षा, पत्रकार साहब आप वरिष्ठ पत्रकार है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा बोले हैं, वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, बिल्कुल मैम ने सही बोली है, लेकिन संस्कार की कमी है। शिक्षा और संस्कार दोनों में फर्क होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो गुरुकुल हो, जैसे गुरुकुल में क्या होता है उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, चाहे अगर वो धर्म शिक्षक, अगर मुस्लिम का धर्म शिक्षक स्थान हो तो वहां पर भी शिक्षण में संस्कार को डाला जाए, इसकी जरूरत है। अगर संस्कार डल जाएगा ना, अब संस्कार कहां से आती है, वो शास्त्रों से आती है। और भारतीय धर्म में केवल हमारा हिंदू नहीं आता है, ये भारतीय परंपरा में ऐसा है, जो ये राम का क्षेत्र है, गीता का क्षेत्र है, श्री कृष्ण भगवान का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो संस्कार है ना उसको पालन कराया जाए। विदेशों में गीता को लागू कर दिया जा रहा है, क्या हमारे हिंदुस्तान में नहीं लागू हो सकता है? अगर हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा, अगर ये चीजें हर जगहों पे लागू किया जाएगा, तो इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये जरूरी है, संस्कार की बहुत जरूरत है। साहब एक बताइए, क्या आपके हिंदू धर्म के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं? देख लीजिए, क्या वो वहाँ सब शिक्षित हैं? हम आपको एक नहीं बहुत सारे किसी भी अधर्मी की धर्म से तुलना नहीं की जा सकती है। जो गलत है वो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, अनुपात ज्यादा है, मेरी बात समझिएगा, इसलिए बोल रहा हूं, मुस्लिम के अनुपात ज्यादा है, लेकिन आप इसको हिंदू मुस्लिम भारत में, लेकिन विधर्मिक कहां पर ज्यादा पाए जा रहे हैं? आप देखिए हिंदुओं के अनुपात ज्यादा है, लेकिन फिर वहीं पर सजाता ज्यादा है, क्योंकि वहां पे संस्कार है। बहुत सारे मुस्लिम में भी है, हम जानते हैं, बहुत सारे मुस्लिम में है जो शिक्षाविद हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और ऐसा नहीं कि सब अधर्मी होते हैं, कुछ परसेंटेज, वो उसके पीछे रीजन क्या है हम बता रहे हैं, 25-30 सालों से, पिछले 25-30 सालों से यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा नहीं परोसी जा रही थी, आप समझिए बात को। अब उस पे योगी सरकार काम कर रही है, आज हम देख रहे हैं जितने मदरसे हैं, जितने प्राइवेट विद्यालय हैं, उसमें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है भवन जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से, आप बोलिए भाई। देखिए मैं अभी जो आज के जो पैनलिस्ट है, अगर इनके मंथन को देख पाएंगे तो हम पा रहे हैं कि जो आज का जो विषय आपने चलाया है इसमें एक संस्कार निकल के आया, और कुछ पैनलिस्ट की हमारी जो भावना थी वो संगत की निकल के आई। अच्छा। और मैं क्योंकि शिक्षा जगत से हूँ, कानून को पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें शिक्षा का भी योगदान है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मुझे बात याद आती है आचार्य विष्णु गुप्त की, और उन्होंने बहुत सुंदर सी बात कही है, उसमें संस्कृत में उनका एक श्लोक है मुझे याद आ गया, रूप यौवन संपना विशाल कुल संभवा विद्याहीन नाशो बनते निर्गुणा इव कृष्ण का। उन्होंने कहा है कि मनुष्य रूपवान हो सकता है और मनुष्य बड़े कुल में भी पैदा हो सकता है, लेकिन शिक्षा के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे किसुम का फूल, वो फूल तो होता है उसमें खुशबू नहीं आती। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षित समाज अगर होगा, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो,
चाहे अपना सिख समाज हो चाहे अपना क्रिश्चियन समाज हो, निश्चित तौर पर उनके संस्कार भी आएंगे, उनकी संगत भी ठीक होगी। इस ओर दिशा में काम करने का काम हम सबको करना चाहिए। और आज के और गौरव जी आज बताना चाहता हूँ, आज जो मेरी भावना है आपके यहाँ बैठने की है, निश्चित तौर पर एक भावना से मैं आपके बीच में बैठ के बैठा हूँ, क्योंकि मेरी भावना थी ये जो पीड़ा है ये हर हर भाई की पीड़ा है, हर बाप की पीड़ा है, हर माँ की पीड़ा है। ये दर्द हम सब झेलते हैं, पीड़ा पे तो चाहे हमारे पड़ोस पीड़ा पे भी तो बड़े आदमी नहीं बोले हैं, पीड़ा पे अभी बयानबाजी नहीं हुई है सर। गौरव जी अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसी घटना घटती है तो ये समझ के हमें खुश नहीं होना चाहिए कि पड़ोस में दुर्घटना घट गई, क्योंकि अगर पड़ोस में दुर्घटना घटती है और हम चुप रहते हैं तो इसका मतलब है अगला नंबर आपका है। अच्छा। इस बात को समझने की और क्रियान्वित करने की बात को मैं समझता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आरती जी भाई यहाँ पर घटना तो हुई है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया का और व्हाट्सएप और तमाम चीज़ों का, और जैसा कि अभी और जानकारी भी मिली लोगों ने कि जो कानून है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है, पर सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई आदमी कोई महिला आपके साथ पूरा परिवार छोड़ के आ रही है तो फिर मानसिकता कैसी है, हत्या क्यों कर दी जाती है, टुकड़े में क्यों काट दिया जाता है। देखिए गौरव जी हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो मुद्दे से हट करके बात कर रहे हैं जी, पहली बात तो जी, क्योंकि जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, जिस महिला के साथ ऐसा होता है, हम लोग अधिकतर डिबेट में बैठते हैं तो या तो हमारा एक मुद्दा होता है धर्म जी, दूसरा मुद्दा होता है राजनीति जी, और हम यहाँ पे डिबेट करके और अपने अपने घर में जाकर के चले जाते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन मेन मुद्दे पे बैठ करके यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चाहे इस्लामिक स्कॉलर जी हो, धर्म गुरु वो बैठे हैं, हमारे पवन श्रीवास्तव जी बैठे, कंचन द्विवेदी, भुवन भास्कर, ये सब बैठे हुए हैं जी। लेकिन मैं पवन श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूँ कि सबसे बड़ा रोल जी होता है घर में माता पिता का, बिल्कुल ठीक है। बच्चे की एक्टिविटीज में माता पिता ध्यान देते हैं जी। मैं कंचन द्विवेदी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा, माफ करिएगा मुझे कंचन द्विवेदी जी जी, क्योंकि आपने अभी जो बोला कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस्लामिक स्कॉलर जी जो सामने बैठे हुए हैं और कंचन द्विवेदी जी, ये लोग आपस में धर्म को लेकर लड़ रहे हैं जी, धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, वो मुस्लिम को बोल रही है और वो हिंदू को बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है, एक लड़की की जान गई है जी, वो चाहे वो हिंदू होती या वो मुसलमान होती, यहाँ पे न्याय की बात नहीं हो रही है। अच्छा, तो गौरव जी हम लोग जिस टॉपिक पे बैठे हैं जी, मेरी समझ से, मैं एक समाज सेविका हूँ और मेरी समझ से यहाँ पर उस मुद्दे को लेकर के बात करनी चाहिए। जवाब ले लीजिएगा। बीजेपी अपनी रोटी सेक रही है, सपा अपनी रोटी सेक रही है, धर्म गुरु सपा अपनी सेक रही, सपा कुछ आया नहीं है, सपा तो बयान नहीं, उनको दर्द ही नहीं है भाई, उनको दर्द ही, कोई जवाब ही नहीं है उनका, तो चुनाव में बिजी है, चुनाव में बिजी है वो, अभी चुनाव में बिजी है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं जी। गौरव जी कोई भी पार्टी जी, मैं सब पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं सारे धर्म गुरुओं की बात कर रही हूँ जी, कि कोई भी यहाँ पर मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। पवन श्रीवास्तव जी है जो की वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, बाकी मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी प्रवक्ता जी हो, चाहे इस्लामिक स्कॉलर हो, मैं जवाब दे रहा हूं आपको 2 मिनट के जी, आरती जी, गौरव जी हो जी, आरती जी आप, कंचन जी आपको जवाब देना चाह रही हूं जी। हां बिल्कुल कंचन जी, बिल्कुल आप जवाब दीजिए पूरी कंचन जी जी। एक एक पहलू से आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उससे सहमत भी हो सकती हैं और असहमत भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो आंकड़े हैं वो विवाह के बाद भी लोगों ने 36 टुकड़े और 72 टुकड़े, जो मैंने कि 2010 का केस बताया, वो 72 टुकड़ों वाला है, वो शादी के बाद का है, तो ये हो सकता है। और मीडिया कहीं ना कहीं आप ठीक भी हैं, मैं आपका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही हूँ, आप ठीक है, लेकिन ये भी एक पक्ष है कि ऐसा भी होता है। बाकी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे जो हो, चाहे जो भी हो, आपका टाइम हो रहा है इसलिए मैं कहूंगी, कोई भी हो, इन सारी चीजों में जो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो हैवानियत वाले लोग होते हैं, मैं पूर्ववर्ती थोड़ा काल की तरफ जाऊंगी, मैं इतिहास की तरफ जाऊंगी, अगर मैं पुराण की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो चाहे फिर वो दशानन हो या फिर दुशासन हो, इसकी सजा उन सबको भुगतनी पड़ी है। और ये मैं कहूंगी, आफ्ताब जैसे लोग हों या फिर कोई भी तरीके के लोग हों, अमन जैसे लोग हों, इसको भोगेंगे। और इसके लिए हम महिलाओं को,
मैं आरती जी से कहूंगी कि हम महिलाओं को इसके लिए यहाँ पर, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा बयान बिल्कुल गौरव जी मत लीजिएगा, ये मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ कि ऐसे लोगों के लिए बायकॉट हम अपनी महिलाएं ही करेंगी तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मैं दुष्यंत कुमार की दो लाइनें रखना चाहती हूँ, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब ये सूरत बदलनी चाहिए, ऐसे लोगों को नग्न करके फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फांसी पर चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता है, कि निर्भया जैसा 8 साल केस चलता है वो तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर निर्भर है। फिलहाल पवन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। गौरव जी, जी सब लोगों को प्रण लेना चाहिए, ऐसे कभी भी घटनाएं घटित हो जी सभी लोगों को विरोध करना चाहिए, जात धर्म से इसको अलग हो करके, अपराधी जो होता है उसका कोई जात और धर्म नहीं होता है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि कोई भी सरकार आवे, जो काम किया जा रहा है इसको बढ़ाते जाएं, सभी लोगों को शिक्षित करें और संस्कार, वो अपने अपने धर्म, अपने अपने धर्म के जो रिलेटेड किताब हैं, बुक्स हैं धर्म से रिलेटेड, उनको शिक्षित करना चाहिए, लोग बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से उसके बारे में बात करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए बच्चों को, जब बच्चे छोटे हों उसी समय से बात करना चाहिए कि हाँ आपके साथ लोग कैसे मिलेंगे, एक उम्र होता है, उस उम्र में जो है बहुत सारे गलत फहमियाँ होती हैं, उसमें डिसीजन ले लिया जाता है, इसकी आवश्यकता है, वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आप बच्चे जब बचे रहेंगे, फिर एक समय आता है जब 22 साल 25 साल के बच्चे हो जाते हैं, फिर वो समझदार हो जाते हैं, ऐसे समय पर उनको निर्णय लेना चाहिए और बच्चों को समय देना चाहिए, माता पिता कोई भी उनको समय दे, उनके बारे में जानकारी दे और रह रह करके उनको जो भी तकलीफ है जैसे भी है वो परामर्श एक मित्र की तुलना में अगर बच्चों को रखेंगे तो सब कुछ सेर होगा। जी ठीक है जी, मैं आचार्य जी कुछ बोलना चाहता हूं, आचार्य जी बताइए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत अच्छा शब्द रखे हैं। देखिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मेरे से किसी भी जाति धर्म से कोई द्वेष नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए धर्म किसी अपने अपने धर्म का नहीं, अपने अपने धर्म का शिक्षा तो दे लिए और उसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है, सनातन धर्म की शिक्षा देने के अगर भारत में रह रहे हैं तो ये भरत और शत्रुघ्न वाली शिक्षा देना पड़ेगा, गीता का शिक्षा देना पड़ेगा, और ये जब विदेशों में मुस्लिम कंट्री में सब लोग स्वीकार कर लेते हैं और इस्लामिक स्कॉलर्स हैं धर्मगुरु वो मानते हैं, तो यहाँ पे चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या चाहे वर्तमान समय में भाजपा की सरकार, मैं दोनों से, मैं एक को पक्ष में नहीं बात कर रहा हूं, मैं दोनों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि दोनों मिल करके एक पैनल पे क्यों नहीं लागू करते हैं, चाहे वो मदरसा हो या चाहे कुछ भी हो, वहां पर गीता जरूरी है, वहां पे आपने क्या कहते हैं भास्कर जी ने बोले हैं कि हाँ संस्कार को लेकर के मैं बोलूंगा उनको कि कोई भी हर आदमी इस मैटर पे सहयोग कर सकता है और हर पार्टी, मेरे लिए सारे पार्टी में लोग अच्छे हैं, मेरे तो मैं हर आदमी का कुंडली देखता हूँ, मेरे पास में सब लोग आते हैं दिखाने के लिए, हर पार्टी में है, शीर्ष में है लोग, लेकिन राजन जी हर धर्म में जो उनका ग्रंथ है वो धर्म में केवल एक ही बात सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है मानवता, वो सिखाई जाती है सेवा, वो सिखाई जाती है अच्छाई, धर्म किसी भी धर्म का हो, पर अगर अपने धर्म को ही अनुपालन कर लेंगे, अपने धर्मों का ही अनुसरण कर लेंगे कि साथ तो शायद समाज इस तरह की जो है वारदातें नहीं होगी। भवन जी कुछ बोलना चाहिए, भवन जी बोलिए, फिर जरूर तरीका क्रम करते हैं, बताइए। कहना चाहता हूँ आपकी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मजहब हो गया और समाज हो गया और हमारा जो कानून है उसके तौर पे इन घटनाओं की निंदा ही नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि इस तरह का ट्वीट करने वाला व्यक्ति मानव नहीं हो सकता, और जो मानव का विहीन व्यक्ति है तो मेरे को लगता है वो समाज में समाज का प्राणी नहीं हो सकता, क्योंकि मानवता निश्चित तौर पे इस तरह की घटना है, चाहे हिंदू समाज में हो, मुस्लिम समाज में हो, सिख समाज में, चाहे बड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ जो हमारा आचरण है वो दिखाई देता है। ठीक है, आपका सभी का इस चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि चर्चा अहम थी, चर्चा थी मानवता शर्मसार थी, चर्चा थी किसी लड़की की हत्या हुई थी, चर्चा थी किसी लड़की के टुकड़े किए गए थे, और चर्चा थी इस पर कि किसी लड़की को प्रेम के वशीभूत कर कर उसकी जान ले ली गई, एक कैसा समाज और किस तरफ हम जा रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं 21वीं सदी की, हम बात कर रहे हैं बेहतरी की, हम बात कर रहे हैं
हर एक अच्छाई की। हम बात कर रहे हैं आधी आबादी को अपने साथ में रखकर विकास करने की, पर जब आधी आबादी के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो केवल गिने चुने लोग बोलते हैं। अब समय आ गया है कि केवल मोमबत्ती ना उठाएं, अब समय आ गया है केवल बयानबाजी ना हो, अब समय आ गया है केवल और केवल दुख व्यक्त ना करें ट्वीट के माध्यम से, केवल बयानबाजी ना करें डिबेट के माध्यम से, अब समय आ गया है। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस इंसान ने भूली इंसानियत उसको हैवानियत दिखाना है, जिस इंसान ने भूली है इंसानियत उसको हैवानियत दिखाना है, फिर हिंदू हो या मुस्लिम उसको सजा दिलाना है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे नमस्कार।